लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। वेलकम बैक दोस्तों, मैं संदीप नोखाल और आप देख रहे हैं पल टू क्रेजी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको हिंदी में एक स्वेडन मूवी ऑल थिंग फेयर्स, जो शायद आपको हिंदी डब्ड में मिल जाए। अगर आप गूगल पे अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आपको मिल ही जाएगी। और ऑल थिंग्स फेयर एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड कहानी है, जहाँ पर एक स्टूडेंट और एक टीचर के रोमांस की कहानी आपको देखने को मिलती है और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते हुए इस मूवी के अंदर आपको सीनों की भरमार या सीनों की बारिश मिलती है। ये मूवी 1995 के अंदर रिलीज हुई थी और ये कहानी उस टाइम के जब एक साइड वॉर चल रहा होता है, जहाँ पर एक करैक्टर है, यहाँ पे मेन करैक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के अंदर तीन ही मेन करैक्टर है, एक स्टूडेंट है और एक दूसरी स्टूडेंट, एक गर्ल स्टूडेंट है और तीसरी एक टीचर है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले दर्शकों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक पलटू क्रेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। दोस्तों ये कहानी उस समय स्टार्ट होती है जब वहाँ पर एक मेल करैक्टर यानी एक बच्चा, जिसका नाम आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वो स्कूल जाता है और स्कूल में जाने के बाद उसे एक लड़की नोटिस करती है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक लड़की नोटिस करती है और वो गुपचुप गुपचुप तरीके से उसे देखती है, यानी उस लड़की को उस छोटे लड़के से प्यार हो जाता है और बार बार उसे नोटिस करती है, बार बार उसे लुका छुपी कर ये वो छोटी लड़की देख रही होती है। वो छोटी लड़के का नाम आप अगर आप हिंदी के अंदर डब करूँगा तो आप उसको पुष्पा कह सकते हैं और लड़के को आप अजय कह सकते हैं और मैडम का नाम आप सोनिया रख सकते हैं। तो तीन करैक्टर पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है पुष्पा उसे लुका छुपी करके देखती है, लेकिन जो अजय होता है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। अजय क्लास के अंदर बैठे होते हैं और क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे शरारती तो होते हैं, आपको बता दें कि काफ़ी बच्चे एक चिंगम को बार बार चबा रहे होते हैं। और तभी क्या होता है कि सभी की ध्यान टीचर सोनिया पे होती है, क्योंकि सोनिया बहुत ही खूबसूरत है और एक खूबसूरत टीचर को देखकर बच्चों के मन के अंदर पारा हाई हो चुका है, बच्चों के मन के अंदर कुछ ही होता है। लेकिन अजय जो है मैडम को लेकर फिदा हो जाता है, वो मैडम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है। तभी एक मक्खी आती है और मक्खी को अजय मार देता है अपनी गुलाइल के माध्यम से। तभी क्या होता है कि क्लास ख़त्म हो जाती है और अजय लास्ट में अकेला बैठा होता है क्लास के अंदर। मैडम सामने होती है जो सोनिया है, जो काफ़ी खूबसूरत है, तो मैडम उसे कहती है कि एक चिंगम को बार बार चबाना गलत है और ऐसा करना गलत है। तभी क्या होता है कि उसे बोर्ड पर कुछ लिखने को देती है तो उसका ध्यान टांगों की तरफ जाता है, जो गोरी गोरी टांगें होती हैं उसको बार बार देख रहे होते हैं बच्चे। और तभी क्या होता है कि वो अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद उसे खबर मिलती है कि उसका भाई जो वॉर के अंदर है वो घर पर आ चुका है। तो वो काफ़ी खुश महसूस करता है और अपनी माँ से बातचीत करता है और अपने भाई के आने की खुशी व्यक्त करता है और घर पर आकर जो है ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सिनेमा चला जाता है और सिनेमा में जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है, लेकिन उससे पहले जो सिनेमा जाने के दौरान जो लड़की पुष्पा है वो उससे मिलने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिसकी वजह से पुष्पा को थोड़ा सा मनमुटाव महसूस होता है। और सिनेमा के अंदर उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है, वो अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश होता है। उसका भाई जो है एक फौजी है, फौज के अंदर नौकरी कर रहा था। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो स्कूल के अंदर आ जाता है और टीचर की एक बार फिर से टांगे या सीक्रेट को देखता है, धीरे से जहाँ पर प्राइवेट पार्ट होता है उसको नज़र गड़ा कर देखता है। तो ये चीज़ करते हुए जो टीचर भी उसको देख लेती है और तब क्या होता है कि टीचर भी उसके प्रति एक्साइटेड हो जाती है और तब टीचर कहती है कि उसे कुछ करना है, उसे सामान लेने के लिए कुछ बाहर जाना है। तो उस टाइम अजय क्या होता है कि पूरी क्लास में अकेला हाथ ऊपर कर देता है और टीचर के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। तो टीचर जा रही होती है, तभी क्या होता है कि सीढ़ियों पर एक थोड़ी सी अकेली सी जगह देखकर अजय क्या होता है टीचर को किस कर लेता है और तभी टीचर भी किस करती है, लेकिन उसे थोड़ा सा अलग कर देती है क्योंकि एक स्कूल है और वो स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा अलग कर देती है। तो वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं और लाइब्रेरी में जहाँ पर काफ़ी कोने की जगह होती है और वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और
इसी बीच क्या होते हैं कि बारह नेक्स्ट सीन आ जाता है कि जब स्कूल के स्टूडेंट खेलने गए होते हैं तो वो खेल को बीच में छोड़ देता है यहाँ पे अजय, क्योंकि उसके मन में टीचर के साथ इंटीमेट करने का भूत सवार है। तो बीच में छोड़कर थोड़ा सा सिर दुखने का बहाना बनाकर वो सीधा टीचर के घर पे चला जाता है और टीचर उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड होती है, उसे कहते हैं कि घर पर आना थोड़ा गलत है, लेकिन वो किस विश करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जो है टीचर है जिसका नाम सोनिया है, उसके हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड उसको देखकर अलग फील नहीं करते हैं, क्योंकि उसने सोचा है कि वो एक स्टूडेंट है और यहाँ पे किसी अन्य पर्पज़ से आया है। और उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे भी यही होता है, जब वो दोनों मिलते हैं, सोनिया और अजय दोनों के बीच इंटरकोर्स होता है। और नेक्स्ट नाइट क्या होता है कि अजय को नींद नहीं आती है और वो इधर उधर घूम रहा होता है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो घर पर जाता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसके हस्बैंड से होती है, क्योंकि गुलदस्ते वगैरह लेकर जाता है, शायद यहाँ पे सोनिया का जन्मदिन है। तो मुलाकात उसके हस्बैंड से होती है, उसके हस्बैंड एक नाइस नेचर मैन है और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर से दोनों के बीच यानी अजय और उस मैडम के बीच दोनों से फिर से इंटरकोर्स होता है, फिर से सेक्स होता है और इस तरह से बात आगे बढ़ जाती है। और जब वो बाहर निकलता है सुबह उठकर तो उसके हस्बैंड उसे देख लेते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड उसे नाराज़ नहीं होते, तो वो एक अच्छे नेचर के आदमी है तो उसे पास बिठाते हैं, दोस्ती हो जाती है, नाराज़ नहीं होते हैं, साथ खेलते हैं। यानी जिस टीचर को अजय ठोक रहा था उसी का पति, उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि एक पार्टी होती है, जो लड़की अजय को पसंद करती है, जो छोटी लड़की है जो अजय को पसंद करती है जिसका नाम पुष्पा है, उसके घर डिनर पार्टी होती है। तो पुष्पा क्या करती है कि मौका देखकर यहाँ पर अजय को बुलाती है और रूम लॉक कर लेती है और अजय को सरप्राइज के बहाने आँखें बंद करने को कहती है और अपने पूरे कपड़े उतार देती है। लेकिन आपको पता है कि अजय के मन में तो टीचर का भूत सवार है, तो वो पुष्पा को देखता भी नहीं है और कुछ भी नहीं करता है। और पुष्पा फिर कपड़े पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने टीचर के यहाँ पर पहुँच जाता है और टीचर उसे फिर से इंटरमेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से खोल के दिखाती है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस होता है और उस टाइम कोई भी एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक अलग फीलिंग है उसके हस्बैंड को लेकर कि उसका हस्बैंड कितना शरीफ है, सब कुछ जानता है, उसे कुछ कहता नहीं है और नहीं तो डिवोर्स वगैरह की बातें होती है, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यतीत होती है, थोड़ा मन में अलग फीलिंग होता है। और इस चीज़ को लेकर वो थोड़ी सी टीचर के साथ दूरियाँ बनाने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर चला जाता है, क्लासरूम के अंदर जब बोर्ड पे कुछ लिखा रहा होता तो टीचर उसे प्राइवेट पार्ट्स दिखाने की कोशिश करता है, उसके मन में थोड़ी सी हलचल मचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से क्लासरूम से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर जो लड़कियाँ का टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पर वो आकर एक बॉक्स के अंदर छुप जाता है। जब सभी लड़कियाँ अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से चली जाती है तो लास्ट में वो गर्लफ्रेंड जो लड़की उसे पसंद करती है जिसका नाम पुष्पा है, उस लड़की को बुलाता है, चिट्ठी डालकर उसको अपने बॉक्स में बुला लेता है। यानी जिस लड़की से वो दूर भाग रहा था, जिसने कभी उसके लिए कपड़े उतारे थे, आज उसको बॉक्स के अंदर ले जाकर उसको ठोकता है। और उसके बाद वो लड़की काफ़ी खुश होती है और दोनों के बीच प्रेम राग चल पड़ता है और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और उसके बाद सूचना मिलती है कि उसका भाई जो फौज में लगा हुआ है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, सिनेमा के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसको देखकर काफ़ी खुश हुआ था, उसकी डेथ हो जाती है। और माँ और बेटे काफ़ी नाराज़ होती है, बात उसकी माँ को भी पता चल जाती है, क्योंकि माँ के दो ही बेटे हैं, एक अजय और एक जो मिलिट्री में लगा हुआ है। और इसके बाद जो है सिनेमा के अंदर बैठे होते हैं और जो टीचर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो टीचर जो है सेक्स करते हुए देख लेती है उन दोनों को और उसके बाद चली जाती है। आपको बता दें कि उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि जो सिनेमा में होते हैं अपने टीचर के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो देख लेती है, तो वो चली जाती है पुष्पा जो उसकी छोटी गर्लफ्रेंड है, टीचर काफ़ी बड़ी उम्र में। तो उसके बाद क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर होते हैं और टीचर उसे फिर से एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, कपड़े उतारती है, लेकिन जो है यहाँ से अजय निकल लेता है, अजय कुछ नहीं करता है, अजय चला जाता है। और तो वो गुस्सा भी होती है अजय पर और बाद में ज़बरदस्ती उसके साथ फिर से इंटर
यानी ठुकवाई करवाती है, फिर से हो जाती है। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो बैठे होते हैं, टीचर टेबल पर बैठी होती है, अजय नीचे होता है, और फिर से दोनों के बीच यही बातें होती है कि वो इस क्लास में फेल हो चुका है और फेल होने के पीछे थोड़ी सी दूरियां बना रहा है, जिसकी वजह से टीचर नाराज़ हो जाती है और उसे फेल कर देती है। काफ़ी गुस्सा वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल भी बुलाते हैं, लेकिन वो फेल होने का पीछे ये कारण मानता है कि जो दूरियां उसने टीचर के साथ बनाई थी, टीचर के साथ जो इंटरेस्ट ख़त्म कर लिया था, उसको ही फेल होने के पीछे का कारण मानता है। वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, और जिसके बाद अजय क्या करता है कि लास्ट के अंदर जो फेयरवेल सेरेमनी चल रही होती है वहाँ पर जाता है और टीचर के सामने अपनी चैन खोल कर दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। और लास्ट में जाते जाते जो टीचर की सारी जो बुक्स होती है उसको पैकिंग करके उसको उठा कर साथ ले जाता है। जी, बुक की कहानी यही है कि बुक को जो टीचर काफ़ी पसंद करती थी, जिसका नाम सोनिया, जो काफ़ी खूबसूरत है, वो बुक्स को काफ़ी पसंद करती थी, तो उसे बदला लेने के लिए बुक्स को पैक करके वहाँ से चला जाता है और गायब हो जाता है। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तस्वीरों के साथ आपने मूवी को देखा, आपको कैसे लगी ये मूवी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई मूवी आपके मन में है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा पलटू क्रेजी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।